हरे कृष्ण, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के बारे में कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज को किस क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, परिवार में अशुभ कार्य होगा या नहीं होगा, ये सब भी बताएंगे। भूमि भवन का लाभ है या नहीं ये भी बताऊँगा। और आज आपकी माली हालत कैसी रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, जहाँ आप नौकरी करते हैं आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आपका क्या संबंध होगा, ये सब भी बताएंगे। दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी समाज हम आपको बताने वाले हैं। सावधानियाँ क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद हो तो आप क्या करें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो ज़रूर आप अपने प्रश्न लिखें, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें हमारे पास, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए कि जो वृष राशि के जातक हैं आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा और सफलता कैसे मिलेगी, सब आज हम आपको बताएंगे। आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा, आयात निर्यात कैसे करेंगे, सब बताऊँगा। तो जो वृष राशि के जातक हैं आज का दिन उनके लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। आज आपकी यश, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ख्याति मिलने का योग बन रहा है। यदि आप सरकार में कोई नौकरी ताज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको नौकरी भी मिलने की संभावना बन रही है। पदोन्नति का योग बन रहा है। आस्थानांतरण के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आस्थानांतरण भी होने की संभावना बन रही है। आज आपकी माली हालत बहुत अच्छी होगी, सारी परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। कोई नए तरह के कार्य अगर बनाने की प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। घर परिवार में कुछ नए तरह के कार्य होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा। शुभ कार्य का भी योग बन रहा है। नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रसन्न रहेगा। घर परिवार जो भाई बहन है, भाई बहन अगर कोई अविवाहित भाई है तो उसकी शादी या बहन के लिए शादी का भी प्रबल योग बन रहा है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। परिवार में नए तरह के कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आज आपके परिवार में गाड़ी, वाहन, घर इत्यादि खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। माता का सुख मिलेगा। माता के सपोर्ट से कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। कोई भी नए तरह के कार्य करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेके ही करें। अगर आपने कृषि योग्य भूमि खरीदने का प्लान किया हुआ है तो उसके लिए समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आप अजात शत्रु होंगे। शत्रु चाहे जितना प्रबल हो वो आपसे परास्त हो जाएगा, आपकी कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। माली हालत आपकी अच्छी होगी। पत्नी से थोड़ा सा अनबन हो सकता है और पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता भी हो सकती है। आपके मन में अकारण तनाव रहता है जिसके नाते आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो तनाव दूर करने की आवश्यकता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि बेवजह तनाव न पालें। मन में जो असुरक्षा की भावना है उसको निकालना है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें और इसके साथ ही साथ गौशाला में जाके गाय को रोटी गुड़ अपने हाथ से खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा।